चोरी किए हुए शो के साथ है सुधीर चौधरी। ब्लैक एंड व्हाइट इस नाम का शो मैं किया करता था, वो भी 8 साल पहले। सुधीर चौधरी ने चुरा लिया किसी और के शो का नाम, चोरी का नाम मिला अपने सुधीर चौधरी के लिए। कम से कम ये तो बता देते कि हमने नाम चुराया है। पिछले काफी दिनों से आज तक पर नौटंकी कर रहे सुधीर चौधरी ने अपने शो के नाम के बारे में दर्शकों से सुझाव मांगे थे। सुधीर चौधरी ने प्रोमो जारी कर ये दावा भी किया कि उनके नए शो के नाम के लिए 3 लाख से ज्यादा सुझाव उन्हें मिले हैं। जी न्यूज छोड़कर आज तक के साथ अपनी पारी शुरू करने वाले सुधीर चौधरी ने नाम को लेकर सोशल मीडिया पर काफी माहौल बनाया, लेकिन सोमवार को 2000 रुपए का नोट ढूंढने वाले सुधीर चौधरी जब अपने शो के नाम के साथ आज तक पर 9 बजे अवतरित हुए तो पता चल गया कि उनके शो का नाम भी चोरी किया हुआ है। जी हां, सुधीर चौधरी के शो का नाम ब्लैक एंड व्हाइट, वो भी चोरी किया हुआ है। सुधीर चौधरी ने डीएनए की तर्ज पर खबरों का विश्लेषण करने वाली एजेंडा सेटिंग पत्रकारिता को ब्लैक एंड व्हाइट शो नाम दिया है और अब से आज तक पर 9 बजे सुधीर चौधरी का ब्लैक एंड व्हाइट देखेंगे। लेकिन ये शो चोरी का है, ये आइडिया, ये नाम भी चुराया हुआ है। दरअसल आर्टिकल 19 चलाने वाले नवीन कुमार का शो राजनीति ब्लैक एंड व्हाइट आज से 8 साल पहले ही टीवी पर आता था। उस समय न्यूज एक्सप्रेस नाम का एक चैनल चलता था जिस पर नवीन कुमार राजनीति ब्लैक एंड व्हाइट नाम से शो करते थे और देश के समसामयिक मुद्दों पर चर्चा और विश्लेषण करते थे। नवीन कुमार ने इस बारे में अपने YouTube चैनल आर्टिकल 19 पर खुलासा करते हुए लिखा कि आज तक और सुधीर चौधरी काफी बेशर्म है, बेशर्मी की हद देखिए कि ऐसे पत्रकार का नाम चुरा लिया, उनके शो का नाम चुरा लिया जिन्हें आज तक पहले ही नौकरी से निकाल चुका है। सुनिए आर्टिकल 19 के संपादक नवीन कुमार ने इस बारे में क्या कहा। जी हाँ, चोरी का नाम, सुसु चौधरी के शो का नाम आज तक वालों ने मेरे यानी नवीन कुमार के शो से चुरा लिया। ब्लैक एंड व्हाइट इस नाम का शो मैं किया करता था, वो भी 8 साल पहले। आज तक वालों, चोरी का नाम ही मिला था क्या तिहाड़ी के शो के लिए? 3 लाख से ज्यादा नाम आने की नौटंकीबाजी के बावजूद चोरी का नाम मिला अपने सुधीर चौधरी के लिए। कम से कम ये तो बता देते कि हमने नाम चुराया है। चलो, तिहाड़ियों से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन आज तक वालों पुराने दिनों की इज्जत का ही कुछ ख्याल कर लेते, अपनी ही इज्जत का। चोरी का नाम चुना, वो भी उस नवीन कुमार के शो का नाम जिसको नौकरी से ही निकाल दिया था। क्यों 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 भाई, कुछ तो शर्म कर लेते यार, और नहीं कर पा रहे तो सुधीर चौधरी के शो के नीचे ये भी लिख देते, नवीन कुमार के शो का चुराया हुआ नाम। तो मेरे शो का नाम चुरा कर किसी और के शो का नाम रख देते तो मुझे उतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन सुधीर चौधरी के शो का नाम रखा, मेरा मन कर रहा है शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाऊं। हालांकि ये आइडिया ब्लैक एंड व्हाइट काफी पुराना है और हॉलीवुड में इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है, लेकिन 8 साल पहले ही नवीन कुमार न्यूज एक्सप्रेस पर ब्लैक एंड व्हाइट नाम से शो कर चुके हैं। लेकिन सुधीर चौधरी ने ना सिर्फ उनके नाम को चुरा लिया बल्कि शो के आइडिया को भी हूबहू कॉपी कर लिया। कॉपी पेस्ट करने वाले सुधीर चौधरी अपनी खबरों को प्रसारण को लेकर भी कुख्यात हैं कि किस तरह से वो एजेंडा सेटिंग करने वाली पत्रकारिता और अपने मालिकों को खुश करने वाली चाटुकारिता करते हैं। नवीन कुमार के इस खुलासे के बाद एक बार फिर से सुधीर चौधरी की चोरी पकड़ी गई और इस बार साथ में चोरी करने में शामिल हो गया आज तक। वैसे आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि ब्लैक एंड व्हाइट नाम से शो पाकिस्तान में भी चलता है। पाकिस्तान के समा टीवी पर हसन निसार का शो, उसका नाम भी ब्लैक एंड व्हाइट ही है। यानी जिस पाकिस्तान को कोसते रहते हैं सुधीर चौधरी, वहां के एक टीवी चैनल का जो शो है उसी का शो का नाम उन्होंने अपने नाम पर रख लिया, जो कि चोरी का है। नवीन कुमार के शो का नाम भी और फिर पाकिस्तानी एंकर हसन निसार के शो का नाम भी ब्लैक एंड व्हाइट है, जिसे सुधीर चौधरी ने चुरा लिया है। वैसे आज तक पर श्वेता सिंह और सुधीर चौधरी को एक फ्रेम पर देखने पर काफी मजाक भी उड़ रहा है। लोग मीम शेयर कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि देखो 2000 रुपए के नोट में चिप खोजने वाले दो लोग एक साथ कैसे आ गए।
आपको बता दें कि सुधीर चौधरी ही वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि नोटबंदी के बाद जब 2000 रुपए का नोट आया था तो ये बताया गया कि उसमें एक नैनो चिप है, एक ऐसी चिप लगी है जो धरती के नीचे भी चाहे कितनी नीचे ही उसको दबा दे ब्लैक मनी के नाम पर, उसको उस सैटेलाइट के जरिए, नैनो चिप के जरिए ढूंढ लिया जाएगा। और यही दावा श्वेता सिंह ने आज तक पर भी किया था। इन दोनों के ये वीडियो काफी वायरल हुए थे, हालांकि बाद में ये फर्जी दावा साबित हुआ और ये पता चला कि 2000 रुपए के नोट में ऐसी कोई चिप नहीं है। लेकिन दोनों ही फर्जी खबर चलाने वाले पत्रकार अब एक साथ आज तक की स्क्रीन पर दिखाई दिए। हालांकि यहां दिलचस्प ये है कि 9 बजे का शो खुद श्वेता सिंह आज तक पर करती थी, वो खबरदार नाम से प्राइम टाइम शो करती थी, लेकिन सुधीर चौधरी ने उनका शो छीन लिया, उनके प्राइम टाइम शो को छीन लिया गया है और अब दस्तक नाम का शो 10 बजे श्वेता सिंह करेंगी। तो एक तरीके से कहें कि श्वेता सिंह का डिमोशन हो गया, तो वो मन ही मन इस बात को लेकर दुखी भी होंगी, कहीं ना कहीं सुधीर चौधरी को कोस भी रही होंगी, लेकिन स्क्रीन पर तो सब अच्छा अच्छा ही दिखाना है। वैसे तो सुधीर चौधरी चोरी करने में, कॉपी पेस्ट करने में और खबरों को तोड़ मरोड़ कर अपने तरीके से एजेंडा सेटिंग करने में माहिर हैं। उनके पहले ही शो में ये भी साफ हो गया। अपने पहले ही शो में सुधीर चौधरी ने सेना में जाति पूछने को जायज ठहराते हुए कह दिया कि ऐसा तो पहले से होता आ रहा था, लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा कि भारतीय सेना में जाति पूछने की भला क्या जरूरत है। क्या किसी को अपने बेटे बेटी का ब्याह करना है जो लोग जाति पूछ रहे हैं। लेकिन सुधीर चौधरी ने अपने पहले ही शो में इसे जायज ठहराते हुए सरकार की तारीफ करते हुए सरकार का समर्थन किया। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में अपने चोरी के नाम वाले शो ब्लैक एंड व्हाइट में किस तरह का काम सुधीर चौधरी करने वाले हैं। आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।